जो यहाँ पे लिंक बना हुआ है इसमें, तो इसमें ये पत्तियाँ तोड़ के ऊपर पे रखा जाता है। जय हो भगवान जी। वहाँ आगे मंदिर भी है, बहुत आगे बहुत दिख नहीं रहा है यहाँ से। ये देखिए कितनी अच्छी घास हो रही है यहाँ पे, मर गई है। और वो बैठ गई पेड़ की छाव में, बहुत अच्छे बैठ गए। मैं ले बैठू आप जी कर आपकी मर्जी। ये छू सिलिंग बोट, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है। और छतरी हमने यहाँ रखी थी वो पलट गई हवा से, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे। चलना स्टार्ट कर दिया आप, वो चले गई आगे को। यहाँ पे बहुत अच्छी छाव हो रही थी, मन तो कर रहा था दिन भर यहीं पे बैठे रहे, पर जाना भी तय कर रही आपको। फिर से धूप लग गई, पहाड़ों का रहन सहन बहुत कठिन है। हाँ वो देखिए व्यू कितने अच्छे दिख रहे हैं वहाँ, पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। मार्केट ऊंची ऊंची ऐसा भी शायद। घास कितनी अच्छी हो रही है। तो हम पहुंचने वाले हैं रामलीला के फील्ड में। तो हम नवंबर दिसंबर में पूजा कब लगना रामदेव, नवंबर दिसंबर ना, तो नवंबर दिसंबर में इतना ठंडा होता है और हम लोग उतनी दूर से रात को यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे होती है रामलीला आगे, और यहाँ तक सब लोग इतने नीचे तक सब लोग बैठे रहते हैं, वो ऊपर तक भी बहुत ऊपर तक, जो मैं लास्ट सीन दिखा रही हूँ आपको वहाँ तक सब लोग बैठे रहते हैं। जनसंख्या भी काफ़ी होती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छे रामलीला होते हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे होती है रामलीला, बहुत मज़े आते हैं तब तो। हम यहीं बैठते हैं यहाँ पे, ये पोल लगा है इसके बगल में, यहाँ बैठते हैं हम लोग और बहुत चीज़ें खाते भी हैं यहाँ पे। अभी तो इतनी घास हो रही है, बट जब रामलीला लगती है तो बहुत अच्छा लगता है, और तब तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं गामा स्टेशन, तो हम पहुँचने वाले हैं गामा स्टेशन। पूजा एक गैर ना आती है गाड़ी में, यहाँ गामा स्टेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ नाम था पहले एक आदमी का गामा, तो वो नाम पड़ गया फिर गामा स्टेशन। और यहाँ पे मंदिर भी है, चौड़ागुल जी का मंदिर ऊपर पे, यहाँ पे भी ये है। तो बाहर बाहर से आप भी दर्शन कर, घर जा रहा हूँ तल के। पैदल मार्ग, तो ये है गामा स्टेशन। हम पहुँच गए गामा स्टेशन, और हमें यहाँ से भी गाड़ी नहीं मिल रही आज, तो पता नहीं हम रोड रोड कहाँ तक पैदल चलते हैं। मिल तो जाएगी शायद गाड़ी, यही पता नहीं ना। यहाँ एक गामा नामक
हमारा स्टेशन पहले हमारा स्टेशन यहीं था, अभी तो हमारे गांव में रोड आने से बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। बट आज किसी की डेथ हुई थी, वो बोरा लोग हैं, तो हमारे गांव की गाड़ियाँ सब चले गई थल थल चले गए, तभी हमें आना पड़ रहा है पैदल। ये तो फोन में लगी आराम से, ना बात कर रही है ना कुछ ना कुछ। हम पहुंच गए बेरीनाथ, जो पिथौरागढ़ जिला ब्लॉक बेरीनाथ के अंदर। तो अभी हम पहुंच गए चमखेत, ये है चमखेत। नज़ारा देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ का नाम है चमखेत क्योंकि यहाँ पहले खेती बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि दादी लोग बताते हैं कि पहले यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी, खेती अच्छी होती थी, इसलिए यहाँ का नाम चमखेत रख दिया गया था। यहाँ का नाम इसलिए चमखेत रखा गया था क्योंकि यहाँ पे खेती चमकती होगी, पहले चमकती थी मतलब बताते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ, ये देखिए तो ये सब बो रखे हैं धान, अब इनकी गुड़ाई चल रही है शायद। अभी तो काफ़ी धूप लगी है तो खेतों में कोई भी नहीं है अभी, अभी आएंगे 4 साढ़े 4 बजे। अब इसमें वो लगा रखी है पहाड़ी में, उसको बोलते हैं दनियाली मठा, तो उसको लगाने के बाद फिर उसको फिर गोड़ा जाता है धानों को, ये देखिए। ये हैं पहाड़ों के नज़ारे, कितने खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ घर, अभी बजे हैं शाम के 4। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नए ब्लॉग डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाय बाय एंड टेक केयर। जय देव उत्तराखंड।